नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंचाई विभाग के SDO पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। नाबालिग युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने SDO पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद SDO अधिकारी ने युवती पर हनी ट्रैप का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि होटल में बुलाकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए हड़प लिए हैं। SDO की शिकायत पर युवती पर भी मामला दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि SDO श्रीधर लाल अटेरिया श्योपुर जिले के सिंचाई विभाग में पदस्थ हैं और मुरैना जिले के रहने वाले हैं। SDO पर मामला सामने आया है। श्योपुर में पदस्थ है सिंचाई विभाग में SDO श्रीधर अटेरिया, क्योंकि सबलगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने कल एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि एक सीमा नाम की महिला है और उसके साथियों के द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसी पर से जो है तीन आरोपियों के विरुद्ध जो है अभी 384 के तहत मुकदमा कायम किया है। उसका मुख्य आरोप ये था कि इसको जो है यहाँ होटल में बुलाया श्रीधर अटेरिया को मुरैना से, और इसको होटल में एक लड़की के साथ रखा और जो है उसको ब्लैकमेल किया। नेकेड फ़ोटो के आधार पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उससे 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। क्या ये युवी महिला की और क्या मतलब महिला की इस तो 30 से ऊपर है और एक नाबालिग लड़की है, उसका आरोप इन लोगों ने इसके ऊपर लगाया है। महिला के द्वारा नहीं कराया गया, जो नाबालिग है लड़की उसके द्वारा 376 का अपराध पंजीवृत कराया है इस श्रीधर अटेरिया के विरुद्ध में। पुलिस ने अभी मुकदमा कायम कर लिया है और विवेचना की जा रही है। अभी आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं हुई। दुष्कर्म में ये इसी के तारतम्य में जो महिला आरोपी है, उन्होंने एक नाबालिग बच्ची की तरफ से श्रीधर अटेरिया के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया है कि महिला जो बच्ची है उसको यहाँ बुलाया गया नौकरी के नाम पर और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।